अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 6 का यूनिट नंबर 6 करेंगे, प्रोटेक्टिंग अवर बिग कैट्स, जिसका आज का हमारा पहला टॉपिक है सेविंग लायंस इन तंजानिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमी डिकमैन काम कर चुकी थी रुदा कार्नी और प्रोजेक्ट के लिए तंजानिया में, जो कि ईस्टर्न अफ्रीका में मौजूद है। इससे पहले वो काम कर चुकी थी चीतास के साथ निम्बिया में, जो कि साउथ ऑफ अफ्रीका में मौजूद है 6 सालों तक। वो ब्रिटिश कंजर्वेशनिस्ट कहते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए काम करे, बायोलॉजिस्ट कहते हैं जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पता हो और जो उसके बारे में फुल नॉलेज रखती हो, ठीक है। वो काम कर रही थी वहाँ पर 10 सालों से, ताकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं तंजानिया में मौजूद, वो सुकून से रह सकें इन जंगली जानवरों के साथ, वाइल्ड बीस्ट कहते हैं जंगली जानवर, और उनकी नस्ल खुशी को बचा सकें, यानी उनकी जो नस्ल को कोई नुकसान ना पहुंचे, वो तादाद में बहुत कम ना रह जाए या बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। एक्सटिंक्शन कहते हैं नस्ल खुशी को। फर्स्ट पैराग्राफ में बात हो रही है कि लॉयन की पॉपुलेशन अफ्रीका में डेसीमेटेड यानी तकरीबन बर्बाद हो चुकी है। गुजरने वाले 20 सालों में इनके नंबर्स बहुत आधे रह गए, तकरीबन आधे रह गए हैं, और आज जो है इनकी नस्ल 25,000 से भी कम है, यानी जो लॉयंस हैं वो 25,000 से भी कम रह गए हैं उस कॉन्टिनेंट पर, यानी अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पे। अगर हम कंपेयर करें राइनोसोर्स को, राइनोसोर्स भी वहाँ पे तादाद में बहुत कम है। हालांकि पॉपुलर ओपिनियन क्या है, लोग कहते क्या हैं इस बारे में कि क्यों कम हो गई है उनकी नस्ल, क्यों कम हो गई है, क्योंकि वहाँ पर हाई प्रोफाइल इश्यूज़ जैसे कि ट्रॉफी हंटिंग का मसला नहीं है। ट्रॉफी हंटिंग क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स फॉर स्पोर्ट्स, यानी शिकार करना वाइल्ड एनिमल्स का स्पोर्ट्स के तौर पर, ताकि वो ट्रॉफी जीत सकें, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेन वजह ये है इसके डिक्लाइन की, किसकी, लॉयन के डिक्लाइन की नस्ल की, कि ह्यूमन कार्निवोर्स कॉन्फ्लिक्ट है, कि इंसानों से उसकी लड़ाई है। वो लड़ाई क्या है, जब बारिश होती है साल के कुछ वक्त में, तो ये लोग क्या करते हैं, जो लॉयंस हैं वो खेतों की तरफ और गांव की तरफ आते हैं, और इनके जो विलेज लैंड हैं जहाँ पर गाँव की ज़मीनें हैं वहाँ पर जाकर इनके लाइफ स्टॉक को नुकसान पहुँचाते हैं। जो लोग वहाँ रहते हैं उनके वाइल्ड स्टॉक को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके जानवर खा जाते हैं। और आसान होता है लॉयंस के लिए बारिश के महीनों में जाना, और पिक ऑफ यानी कत्ल कर देते हैं वो किसको, लाइव स्टॉक को, जो कि इनकी इलाके में बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, और इसलिए उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इस बात का कि उनके लाइव स्टॉक मर जाते हैं। लाइव स्टॉक में कौन से जानवर होते हैं, जैसे बकरी, काऊ और गोट वगैरह, ये हर्बीवोरस जानवर होते हैं, जिन्हें कार्निवोरस जानवर यानी लॉयन जो कि मीट खाते हैं वो उसका शिकार कर लेते हैं हर्बीवोरस जानवरों का, क्योंकि लॉयंस इनके लाइव स्टॉक का शिकार कर लेते हैं बारिश के महीनों में। अगर हम मिसाई और बारा बेग कबाइल की बात करें खास करके, तो वहाँ पे लॉयन हंटिंग जो है वो क्या है, सकाफत है, एक तरह की रिवायत है, ट्रेडिशन है वहाँ का, जहाँ पे यंग जंगजू जाते हैं और अपनी बहादुरी प्रूव करने के लिए इनकी लॉयन का शिकार करते हैं, और उन्हें इसके बदले क्या मिलता है, वेल्थ मिलती है। वेल्थ में उन्हें क्या मिलता है, यानी इनाम के तौर पर उन्हें क्या मिलता है, कैटल्स ही मिलते हैं, ठीक है, और जिससे इनका स्टेटस यानी इनकी रेपुटेशन बढ़ जाती है, इज्जत और बढ़ जाती है अपनी कम्युनिटी में। लॉयन हंटिंग जो है वो रिटेलिएशन के लिए भी कहते हैं, रिटेलिएशन के लिए भी की जाती है विलेजर्स की तरफ से। रिटेलिएशन कहते हैं गेट रिवेंज, यानी विलेजर्स जो है वो रिवेंज लेते हैं लॉयन से। क्यों रिवेंज लेते हैं, क्योंकि लॉयंस ने उनके लाइफ स्टॉक को नुकसान पहुँचाया होता है। कैटल जो है वहाँ के लिए क्यों इतनी ज़रूरी है, कैटल भी लाइफ स्टॉक को ही कहते हैं, जैसे कि शीप, गोट, काऊ वगैरह, ड्रावी कहते हैं, यानी जहेज के तौर पर भी ये लोग देते हैं कहाँ कैटल को अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी होता है, और अपने जो है वहाँ पे बड़े पैमाने पे कैटल का जो है स्टॉक होता है, यानी प्रोडक्शन होती है, उनको पाला जाता है, और कैटल उनके लिए हर चीज़ है, वो बहुत बड़ी चीज़ है कैटल उनके लिए। थर्ड पैराग्राफ में बात हो रही है, डिकमैन चाहती थी कि वो उस लॉयन को सेव करे और उनकी हिफाजत के लिए काम करें, और लोकल कम्युनिटी को यानी जो मकामी लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो, लेकिन ये पॉइंटलेस होगा कि लोकल पॉपुलेशन जो है वो उसकी हिफाजत के लिए काम करे और इसके बदले उन्हें कुछ भी ना मिले। लोकल पॉपुलेशन इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि वो लॉयन की हिफाजत के लिए काम करे, क्योंकि वो करना भी क्यों चाहेगी। डिकमैन कहती है पीपलों को वहाँ पे मौजूद लोगों को परवाह नहीं है कि अगर उन्हें दोबारा लॉयन देखने को भी ना मिले तो उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉयन उनके लिए क्या है, खतरा है। ये वेस्टर्नर्स हैं जिन्हें लॉयंस जो है पसंद होते हैं, और इसलिए वेस्टर्नर्स को ही उनकी पे करनी चाहिए, यानी इनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए, और जो कुछ भी खर्चा हो वो उन्हें ही देना चाहिए। यहाँ पे कहने हैं जो लॉयंस जिंदा पकड़ा जाता है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली टू लॉयन जो मर चुका हो। इसीलिए RCP का मेन मकसद क्या है कि वो इस पर काम करें, किस पर काम करें, लॉयन को सेव करें और उसकी जो है लाइफ के लिए जिसकी नस्ल खुशी ख़त्म करने में मददगार साबित हो, ठीक है, इसका मेन मकसद ये था, और लोकल कम्युनिटी को भी जो है उससे कोई ख़तरा ना हो। डिकमैन की टीम काम कर रही थी बहुत मेहनत के साथ 12 विलेजेस में, लेकिन उसके आसपास 22 और विलेजेस थे जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग रहते थे, और इन सब से इनके बारे में, इस इश्यूज़ के बारे में बात करनी थी।
ज़्यादातर अटैक्स लोयन के ऐसे घरों में होते थे जो कि पुअरली कंस्ट्रक्टेड हुए हुए थे, यानी सही से बने हुए नहीं थे, ठीक है। और इनके लाइव स्टॉक इनक्लोजर्स यानी जो बैरियर थे उनके आसपास वो सही से नहीं थे, मतलब वीक बैरियर्स लगे हुए थे जिसकी वजह से शेर अंदर दाखिल होकर उनके लाइव स्टॉक को नुकसान पहुँचाते थे। तो ये प्रोजेक्ट ये था कि इसको स्ट्रेंथन किया जाए, इन्वायर्स को जो बैरियर लगा हुआ है उसको सही से प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि लॉयंस अंदर घुस के जो है लाइव स्टॉक को नुकसान ना पहुँचा सके। और इससे क्या होगा कि कुछ फैमिलीज़ के जो वहाँ पे रहती थी, जो खासकर वहाँ पे जो फैमिलीज़ वहाँ पे थी उस इलाके में जहाँ पे लॉयन अटैक्स होते थे, तो उनको जो है गार्डिंग डॉग्स भी दिए गए थे। एंडेवलिया एक जगह का नाम है, ठीक है, वहाँ पे लाइव स्टॉक की गार्डिंग के लिए डॉग्स भी दिए गए थे ताकि इनके लाइव स्टॉक को की हिफाजत की जा सके और उनको कोई नुकसान ना पहुँच सके। ये मेथड से क्या होगा, यानी डॉग्स की जो गार्डिंग डॉग्स देखकर और जो बैरियर्स को मजबूत करके क्या होगा लॉयन के अटैक्स को कम किया जा सकता है, लेकिन लंबे अरसे तक इनकी प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, इनकी हिफाजत के लिए वाइल्ड लाइफ के जो एडवांटेजेस हैं उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा, उसको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा एनी कॉस्ट। लेकिन विलेजर्स के लिए क्या ज़रूरी होता है, वो किस चीज़ को अवॉइड करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, कि उनको तीन चीज़ें मिल जाए, एजुकेशन, हेल्थ केयर और वेटरनरी मेडिसिन, यानी रिलेटिंग टू डिजीज़ इंजरीज जो भी मेडिसिन हैं वो उन्हें मिल जाएँ। विलेजेस का फोकस इस पर होता है, ना कि लॉयंस की कंजर्वेशन पर। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।